और सुशांत सिंह राजपूत केस से ही जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। बॉम्बे हाईकोर्ट आज एक बार फिर से एक्टर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान रिया के वकील ने कोर्ट को ये कहते हुए मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत से जुड़े सभी मामलों की जाँच देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी यानी कि सीबीआई से करवाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने एनसीबी से ये भी बताने को कहा था कि क्या रिया और शौविक के खिलाफ लगे आरोपी जमानती हैं या फिर नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना मामला शुरू से समझाने का आदेश भी दिया था। मयूरेश गणपत हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मयूरेश, सभी की नजर रहेगी इस बात पर कि आखिर रिया, शौविक और बाकी अन्य आरोपी जो इस मामले में है उनको जमानत आज मिलती है या फिर नहीं। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि जो टीम रिया की तरफ से एक याचिका डाली गई है कि इस पूरे के पूरे ड्रग्स केस को अब सीबीआई को सौंप दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा था, उस पर भी आज कोर्ट अपना रुख साफ कर सकता है। जी बिल्कुल, पिछले हियरिंग में हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती हो या फिर शौविक चक्रवर्ती के वकील जो है, इन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की बात की थी क्योंकि उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन का विषय जो है वो लाया था। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है कि जो कोई केसेस सुशांत सिंह के से जुड़ी है, डेथ केस अगर हो तो वो सभी केसेस जो है उसको सीबीआई प्रूव करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो उसी का सहारा लेते हुए इन्होंने ये दलील रखी थी। तो आज उस दलील पे भी जो है वो चर्चा होगी कोर्ट में। लेकिन दूसरी तरफ इस दलील को पूरी तरह से खारिज किया है एनसीबी के जो जनरल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, उन्होंने एक एफिडेविट कोर्ट में पेश किया और कहा है कि ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर इनको अरेस्ट किया गया है, तो ये मामला जो ज्यूरिसडिक्शन का है वो इसमें आता ही नहीं है और एनडीपीएस एक्ट के अंडर इनको अरेस्ट किया, इसी वजह से ये पूरा मामला जो है वो एनसीबी के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है। तो ये बहस आज होगी, आज इसके ऊपर चर्चा होगी कोर्ट में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ना सिर्फ शौविक और रिया चक्रवर्ती का बेल एप्लीकेशन है लेकिन दीपेश, सैमुअल, मिरांडा इनका भी आज बेल हियरिंग होगा। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से इन्हें कुछ राहत मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो अप्लाई किया था लोअर कोर्ट में बेल के लिए वो बेल रिजेक्ट हो चुकी थी। साथ ही मयूरेश, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बीते शनिवार को एनसीबी द्वारा इस पूरे मामले में कई बॉलीवुड के सितारों से पूछताछ की गई थी जिसमें कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का भी नाम शामिल है। तो क्या ऐसी उम्मीद की जाए कि उस पूछताछ से जो भी बड़ी बातें सामने आई हैं वो भी आज एनसीबी कोर्ट के सामने रखेगी? जी बिल्कुल, एनसीबी कोर्ट के सामने रख सकती है क्योंकि अभी तक एनसीबी ने इसके ऊपर कोई भी बयान दिया नहीं है या कोई भी बात जो है वो रिवील नहीं की कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने ऑफिशियली क्या कहा अपने स्टेटमेंट में। क्या उन्होंने रिया चक्रवर्ती का भी नाम लिया था कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स का सेवन करती थी, या फिर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उन्होंने कुछ बयान दिया है? तो आज वही देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से एनसीबी जो है वो इस पूरे मामले में अपनी दलीलें रखती है। जैसे आपने कहा कि सारा और श्रद्धा कपूर ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, और क्या वो स्टेटमेंट एनसीबी जो है वो कोर्ट के सामने रखती है जिसमें अगर उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। तकरीबन 11 बजे गौरी जो है वो कोर्ट हियरिंग के लिए शुरुआत होगी। पहले दो मामले जो है वो सैमुअल मिरांडा और दीपेश का के रहेंगे, उनकी बेल हियरिंग होगी और उसके बाद रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की बेल हियरिंग शुरू हो जाएगी। तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि तकरीबन 12:30-1 बजे के बाद जो है वो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की हियरिंग शुरू हो जाए। जी शुक्रिया मयूरेश इस पूरी जानकारी के लिए।